मेरे बच्चे तो चीकू जितने स्मार्ट नहीं है कि गाजर खाएं, तो मैं उनको बॉईल करके चिकन में देती हूँ। किचन गीजर इतना मस्त है ना, मतलब मैं तो कुछ भी हो जाए एक सेकंड में गर्म पानी आ रहा था। टू गो ज्यादा गर्म हो गया, चढ़ाया दूध दोस्तों। अभी भी ना मैंने इसको एक्सेप्ट नहीं करा पाइप वाली गैस को। देसी गर्ल तो देसी रहेगी ना, ठीक है। मतलब आई मिस माय सिलेंडर, इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। धीरे धीरे हैबिट पड़ जाएगी नई चीजों की। और डैडी लेकर आए हैं बढ़िया बढ़िया अंडे, तो इसको रखेंगे फ्रिज में प्यार से। एंड सरप्राइजिंगली गौरव ने कैसे चिकन छोड़ दिया, आई एम शॉक्ड। चिकन भी छोड़ दिया और साथ में वो भी छोड़ दिया एग्स। मतलब जो मैं कभी लाइफ में सोच नहीं सकती थी वो चीज़ मेरे हस्बैंड ने करी है। बस अब मेरे बच्चों के लिए एग्स और चिकन आता है। अब बनाए अपने बच्चों के लिए रोटी, खाना देंगे उनको, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। दोस्तों बहन ने ये बॉक्स धोने डालने सूखे वाले आटे का है। मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि वेस्टेज हमको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अभी भी मैं इसमें दो रोटी बना सकती हूँ। और अभी भी किशू प्रो नहीं हुई है गोल रोटी के लिए। रोटी मुझे टेढ़ी मेढ़ी बनती है। इतनी तारीफ क्या ही करे, शक्ल देख रहे हो कितनी रंगीन है, रेड ग्रीन येलो। ये पकने के बाद आपको दिखाऊंगी। ओहो ये ढक्कन बड़ा है दोस्तों, ये गैस फिर से बंद होती। मतलब गौरव मेरा चंडी रूप देखना चाहता है, तभी वो ऑनलाइन कंप्लेंट करेगा, वरना करता ही नहीं। ओहो ये ढक्कन बड़ा है। कितने टाइम से बोल रहे हैं इसको कि वो कर ले, ऑनलाइन कंप्लेंट कर ले। हाय ना, इसका कवर कहाँ गया? लेकिन इस लड़के को समझ नहीं आता। अब चुटकियां मारी जा रहे, फिर गैस बंद होगी मेरी। गलत ढक्कन लग गया था दोस्तों। धूप देख रहे हो कितनी सुभान अल्लाह आ रही है। कि मेरा बुरा हाल हो गया। मैंने अपने हस्बैंड को धमकी दी है कि मैं उसको छोड़ के जा रही हूँ, फिर अगले ने मुझे ये दिया है और मेरा गला खराब है, इसलिए मैं रो रही हूँ। मामी के घर गुरुजी की जय जय थी, तो उन्होंने प्रसाद भेजा, मैं जा नहीं पाई क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। वहाँ से तो लग रहा होगा आए है डोसा, रसमलाई और भी बहुत कुछ है, वड़ा। मैं खोल कर देख रही हूँ, गौरव ने मेरी मदद तो कर दी खोलने की। ओह वो भी है ना मुर्गी। दोस्तों कैमरा मैंने स्पेशली रस मलाई के लिए खोला है। मतलब इतनी बढ़िया रस मलाई, गुड़ की है रस मलाई, मम्मी कह रही है। दोस्तों फाइनली गैस भी ठीक हो रही है। कुछ ना इसमें पिन डल रहा है लो करने के लिए गैस फ्लेम। ये मेरी पॉपी येरी, गौरव ने ऑनलाइन पता करता शायद 100 रुपीज का पर वो है, तो मैं सब में डलवा रही हूँ। तबीयत ठीक नहीं थी तो कुछ बना ही था। कल का मेरे पास पड़ा हुआ था इडली और ये, तो इसी से बहन गुजारा चला रही है। दोस्तों बहन का कोरियर भी आया है, इतनी क्यूट है कटोरियाँ। देखो ये मेरे छोटू मंगवाई है, कुछ भी कर्ड वगैरह कुछ भी हो। और ये मेन देख रही है इडली कटोरियाँ कैसी है। ओ नाइस, ये भी अच्छी है, तो क्यूट। हाँ चेक करो दोस्तों, हमने क्योंकि इतना ज़्यादा ऑर्डर करे, हमारे दो कोरियर हमने वापस करे। ओ कितने क्यूट लग रहे हैं, दोनों क्रैक थे। एक तो चूर चूर बोल आया था, दो बोल चूर चूर थे और ग्लास में थोड़े से क्रैक है, वो अभी भी रिटर्न पे डाला था, अभी तक नहीं आया। दोस्तों बीमार व्यक्ति का दिल कर रहा था तो सोची चीज़ टोस्ट खा लूँ, ऐसे दिल कर था। और साथ में बना रही हूँ सैलड, कुछ मंचिंग का दिल था और अपने बच्चों के लिए खाना ही बनाऊंगी। माँ का फर्ज तो निभाना है ना, बहुत बुरा हाल है। ये मेरी पॉपे, सारा मेरा फ्रूट खत्म हो गया, बस ये लास्ट रह गया। और ये रहा मेरा बच्चा, पूछी लाते मम्मा का बच्चा। मम्मी को भी ठंड लगी, गौरव ने इसका स्वेटर जल्दी उतार दिया था, मेरी डेली की डार्लिंग है। अब मम्मी ने बनाना और कर्ड खिलाया, फिर ठीक हो गया मेरा बेबी। इतनी लूज मोशन कर रहा था बेचारा मेरा बच्चा। दोस्तों सिचुएशन ये है मेरे बच्चों की और मेरी सिचुएशन ये, मज़ेदार। दोस्तों ये मेरे बचपन का प्यार था, चीज़ टोस्ट ना, चीज़ टोस्ट ब्रेड पिज्ज़ा। ओहो जी क्या और ये सिम्बी, सिर्फ एक पेट पेरेंट ही समझ सकता है कि सिम्बी क्या करे, और स्पेशली मेल पेट पेरेंट। गलत हो गया,
मेल डॉग के पेट पेरेंट चार चार गोलियां खा रही है रात को। दोस्तों एक तो इतनी कौड़ी होगी, गॉसिप करे गौरव मेरे और फ्यांचु के बारे में मेरी मम्मी से, इसके ये है असली रंग, ठीक है। हाँ फ्यांचु देख रहे गॉसिप, पूरी गॉसिप करे, और रात के 10:30-11 बजे घड़ी नहीं डाली गई रही तूने इस कमरे में, अब तेरे पास टाइम है गॉसिप करने का मेरे और मेरे भाई की बेटी। दोस्तों मैं व्लॉग बना रही थी, इसमें मैं बोली जा रही थी वेलकम वेलकम, मेरी तेज आवाज आई और सिम्बा मेरे पास आ गया। हाँ जी अब कुछ ही करने लग गया। हाँ इस घर में सिम्बा और मैं जुदा हो गए, सिम्बा मुझे दिखता ही नहीं है, वहां तो मेरे कमरे में होता था, मेरी आंखों के सामने होता, मैं उसे 4 बारी चेक कर लेती, बाहर ठीक है सेफ है ग्रिल में है ठीक है ठंड तो नहीं लग रही मेरे बच्चे को, लेकिन यहाँ पर मुझे सिम्बी दिखती नहीं है। बस खाना खिलाती हूँ तब इसको बुलाती हूँ, चिम्बी आ जा मम्मा पाच, चिम्बी आ जा मम्मा पाच। क्या करें हम 3 जने मेरा पोपे मेरी सिम्बी, गौरव तो सुबह चल जाते हैं 6 o'clock मैक्स 6 या 7 और रात को आते। ये मेरी पिंकी मैडम जो बहुत दुखी करती है, 9 बजे का वादा करके 11 बजे आती है। ऊपर आने जंप जंप जल्दी आ जंप जंप जल्दी 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 तुम बस साइड कर दे, आ जल्दी जल्दी आ जा आ जा आ जा जल्दी जल्दी आओ, गुड बॉय आ गए बैठ मम्मा पाच बैठ बैठ बैठ। इसलिए आपके लिए क्लिक कराई हूँ अपना दुखना शेयर करने को। यहाँ पर था कबूतर आया यहाँ से ले गया, ऐसा दूसरी बार इसने करा और ये नीचे गिर गया और ये टूट गया। सेम ऐसा यहाँ पर मैंने रखा था 2 और मैंने ये भी उठा लिया। नॉनसेंस इतना गुस्सा आ रहा है पापे मम्मा को। अब मैंने यहाँ रख दिया, कहाँ गया ये देखो, ये उस कबूतर को पता नहीं क्या लगता है उसका क्या चीज था, बेसिकली ये ऐसा था देख रहे। गौरव मम्मी चाहते कि मैं नेट ना लगाऊं, लेकिन मैं लगा ही दूंगी, राइट पापे राइट सिम्बी। मैंने वॉशिंग एरिया में नेट लगाना है क्योंकि ऐसे कपड़े पड़े रहते हैं ना, मुझे होता है कि वो उड़ ना जाए, वो बहुत जरूरी है क्योंकि जब यहाँ हवा चलती है तो ऐसे चलती है मैं भी उड़ जाऊं, सोचो। हा 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 मुझे गौरव की याद आ गई, गौरव कहते किशु तू नहीं उड़ने वाली, अपना वेट देख ले। दोस्तों बेस्ट फ्रेंड से कभी शादी नहीं करनी चाहिए। जब वहां पे लगाऊंगी मैं नेट तो वहां पे साइडों में सब ये नेट से कवर कर दूंगी, पूरा नहीं कवर करूंगी, जहां जहां ऐसे कबूतरों की स्पेस है ना, मैं दिखाती हूँ आपको, ये सारी पाइपलाइन जो वाटर पाइपलाइन उनने यहाँ स्पेस दी हुई है तो मैं इसको कवर कर दूंगी। यहाँ ऑलरेडी कबूतर रह रहे, उसने नेस्ट बनाया हुआ, एक बेबी भी निकल आया, एक बेबी है 2 बेबीज है निकला है, तो मैं वेट करी जब ये बेबीज निकले फिर मैं यहाँ पे मेश लगाने वाली थी। मम्मी गौरव दोनों ने मेरी टाइम टाइम फिश कर दी। ये देखो 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 ये मम्मी आई गेस। दोस्तों हम सबको भूख लग रही है तो बिट ऑकवर्ड, हम सब सैलेड खा रहे हैं, पानी हो गया बढ़िया सा। ओहो चलो ब्रेक के बाद मिलते हैं। दोस्तों जैसे मैंने सैलेड बनाया पप्पू किचन में आके खड़ा हो गया, स्मेली 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 आ गई है, चिम्बी को भी स्मेली है। ये मेरे बच्चों के लिए मैंने बनाया, ये पप्पू के लिए, ये सिम्बा के लिए। सिम्बा का थोड़ा सा लाइट रखे क्योंकि सिम्बा का स्टमक थोड़ा सा अपसेट है ना, उसको हैवी ना हो जाए। टू हॉट स्मेल आ गई मेरे दोनों, ओ कुंग सुंगी सुंगी कैसे करे, कैसे चुंगी चुंगी करे। पप्पू सिम्बा की सारी पेशेंस खत्म होगी, इसकी नजर सिर्फ यही है, ये देखो सिर्फ ये स्मेल करी जा रहा है और मैं ठंडा कर रही हूँ, बहुत गर्म है यार रुक जाओ, बहुत गर्म है अभी तो। हाँ हाँ दे रही हूँ, मैंने बेचारे सिम्बा में 1 स्पून और डाल दिया, थिक हो गया, मैंने कहा कोई बात नहीं ऐसे तो टॉर्चर है, पानी थोड़ा दूंगी अगले को, है ना, दूध वाली चाय चाहिए मेरे बेबीज को। हम दे रही हूँ दे रही हूँ, पेशेंस पेशेंस, हाँ हाँ दे रही मम्मा, इट्स टू हॉट, ओ क्यों हो गया, रुको दे रही है मम्मा, कर रही आप ही के लिए कर रही है। हाँ देख रहे हो उसी कटोरी को देख ही जा रहे है, देखो देखो उसको ही देख रहे हैं कि कब देगी मम्मा, हो गया हो गया। पापा मम्मा ने अलग दी, ये लो इधर आ, गुड बॉय मम्मा का। दोस्तों शर्मा फैमिली फुल मजे में हो गई है सैलेड खा के, ओह सॉरी सुधन फैमिली, मेरा हस्बैंड बुरा मान जाता है।
दिल से तुम शर्मा ही रहेंगे ना आना सिम्बी। आधे घंटे बाद ही बहन को भूख लग गई थी फिर से, तो खा रही हूँ गाजर और लेकर आई हूँ ऑरेंज स्ट्रॉबेरी और क्रेप्स। साथ में खोलेगी बहन लैपटॉप अगेन। दोस्तों किशु बीमार थी तो आई अपने नेबर के पास ज्योति है। चाय भी इतनी मजेदार बनाई है, मेरे गले को एकदम अच्छा लगता है। ज्योति को मैंने अभी सब्सक्राइब करा है, अपने चैनल के बारे में बताया, तो मैंने कहा ज्योति मेरे दोस्तों से हेलो कर दो। मॉर्निंग दोस्तों, 6:15 हो गए, सनराइज होएगा, कितना पिंक ऑरेंज व्यू है, जय जय सुनते हैं। दोस्तों डैडी चले गए, अब बनाने जा रही हूँ अपने लिए गर्मा गर्म चाय। कैमरा मैंने खोला आपको भी दिखाने के लिए, सी कितना क्यूटू से है ये। मैं अदरक उसके लिए लेकर ग्रेट करने के लिए, जब से नए घर में आई हूँ मैंने ये अपना कूटना यूज ही नहीं करा। ये मम्मी लेकर आए थे एग्जीबिशन से, देख रहे हो कितना बड़ा लकड़ का, ये आज तक यूज नहीं करा। एक बारी गौरव ने यूज करा था, पता नहीं क्या हुआ सारा दूध फट गया था, तो सर डर ही नहीं। ओ ये देखो गीला है ना, ये तो ऐसे में लकड़ खराब हो जाएगी, देखो आपके कारण पता चल गया। हाँ इसको धूप लगा देती हूँ। और ये सिर्फ कीरत की वजह से हुई है, सुन सुन के कि शक्कर वाली चाय, गुड़ वाली चाय, मैंने आज तक शक्कर वाली चाय नहीं पी। शक्कर वाली परौंठी हम खाते थे, वो उबल जाएगा आपके कारण सब वो लॉस हो जाएगा। बाय बाय। इस गैस पे स्लो पे भी इतना बॉयल हो गया था, तो मैंने छोटी गैस पे रख दी। इसको करा है सिम, जब तक ये बॉयल हो रही है देख रहे हो कितनी मस्त होती है। धीमी आंच पे चाय पकाना मैंने नेहा से सीखा है। तो करती है टोस्ट, इतना बढ़िया मैंने ये ऑर्गेनाइज करा है, देख रहे हो दोस्तों कितना वेल ऑर्गेनाइज है। और यहाँ की मैंने एक जगह भी बनाई हुई है, ये मुझे वो चाहिए पैटी मेकर, जैसे ये वो ग्रिल मेकर है ना, ऐसा मुझे पैटी मेकर चाहिए, समझ रहे हो ना, जो खाने वाला होता है। और चीज दिखाती हूँ, ये देखो ये कितना सुंदर है, ये मैं मम्मी के वहां से ले आई, मम्मी ने यूज भी नहीं करता, मुझे एकदम याद आ गया मम्मी को ये गिफ्ट मिला था, आई डोंट नो दिवाली पे मिला था, कब मिला था, और तब से मेरी आंख थी ये। मैंने कहा मम्मा मुझे तो मिनी हाउस में बहुत काम आएगा, आई लव दिस। जिसने भी दिया था अच्छी को थैंक यू। बढ़िया बढ़िया सैलेड, बस अभी ऑलिव काटना रह गया और थोड़ा सा टमाटर डालना। सनी डे की शूट की थी 5:30, फटाफट गौरव का ब्रेकफास्ट दिया, कॉफी दी, सैलेड काट कर दिया, फ्रूट काट कर दिया। ओह दो दिन से मैंने कोई लैपटॉप खोला नहीं क्योंकि बीमार थी, आंखों में से बहुत पानी गिर रहा था, तो मैंने अपने हस्बैंड को इतना तामझाम दिया। आपसे मिलने से पहले मैं अपने हस्बैंड को हमेशा ऐसी ही देती थी, आज कहते कि शू लग रहा है एफर्ट्स लगा के तूने टिफिन पैक कर रहा है। सॉरी मैंने बोला आग में वेली थी ना। 6 महीने बाद मैंने अपना अनुपमा देखा, सोचो 6 मंथ्स के बाद, और जो मैं शुरू हुई 2:30 से लेकर 8:39 तक, सोचो 9 बजे मैंने जय जय करी है रात को कि 10:30 बजे गौरव आ जाएगा, कल तो गौरव आया रात के 11 बजे, कितनी वो हो गई मैं लेजी गर्ल। मैंने ये रियलाइज करा दोस्तों, अगर आप ऐसे वो फ्री हो ना तो आपको खुद को अच्छा नहीं लगता है। जैसे मुझे 2 दिन की छुट्टी मिली तो आई एम हैप्पी, ठीक है, लेकिन मुझे लगा हाई मैंने अपना डे कितना वेस्ट कर दिया, ऐसे मुझे फीलिंग है आफ्टर सो लॉन्ग। थैंक्स टू बाबा जी की उनने से ताकत दी, हिम्मत दी कि हम कुछ काम कर सके। और एक और बात, सिम्बा पॉपकॉर्न इतने बिगड़ गए हैं, सिम्बा की जैसे तबीयत खराब है, उसको घर में जब भी उसको ऐसे पॉटी का प्रेशर आता था तो रोता था मेरे पास, मैं बात कर रही हूँ जब मैं अपने इन लॉज के साथ रहती थी, रोता था करता था, चाहे वो हर आधे घंटे बाद रोए करे। कल अगले ने क्या करा, रोया ही नहीं, चक्के दूसरे कमरे में पॉटी कर दी। मैं सुबह उठी मुझे इतना वट चढ़ा, मैंने कहा तुम्हारा अलग ही फ्रीडम चल रहा है भाई, तुम रो तो सही कि तुम हो रही, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों की तबीयत खराब है, मौसम चेंज हो, गौरव ने स्वेटर उतार दिया था और तब से बोलू स्वेटर पहना, अगले बस टाइम नहीं है कि स्वेटर पहनाए, ही इज जस्ट लाइक मिर्ची इन माई लाइफ। तो थी मेरे सिम्बा की घूम फिरा कर आगे मैं अपने हस्बैंड पे, मतलब मुझे इतना वट चढ़ा, मैंने कहा भाई तुम रो तो सही, तुम बताओ तो सही तुम्हें पोटी आई है, ये दोनों भी अपने अलग ही फ्रीडम में लगे हुए, भाई इतना बड़ा घर तुम्हारे लिए नहीं है, सुन रहे सिम्बा। सुबह सुबह ये मेरा हो गया, मैंने कहा बताओ जी, जैसे घर सेटल हो गया धीरे धीरे, अभी भी कहां यार, अपने घर से जो मेरे बेड के अंदर सामान था वो एज इट इज डंप करके आ रहे थे, मैंने कहा गौरव को कि बार बार ऐसे नहीं होगा, मैं इसको सेटल कर ही रखूंगी। फिर गौरव ने रख दिया ऐसे, मैंने कहा चलो अच्छा ही करा तूने रख दिया,
फिर बेड बार बार कहाँ सेट लो। सोचो मेरी शादी को 5 साल हुए, 5 साल से वो बेड मैंने खोला ही था, डंप ही डंप करी जा रही थी। बहुत स्ट्रेस है दोस्तों। बहन बना रही है बढ़िया सा चीज टोस्ट, शक्ल देखोगे तो वारे न्यारे हो जाओगे, इतना बढ़िया है ये। ऐसे ये और ये कम से कम 3 साल पुराना होगा, 3 या 4 साल। ये देख रहे हो कितना बढ़िया, जब भी मम्मी को ऐसे दिखते हैं छोटी छोटी चीजें, लेकिन हम इतना एग्जीबिशन लेते हैं, इतना एडवांस हो जाता है एग्जीबिशन कि मैं क्या ही बताऊँ। पता नहीं क्यों उतारी, बट स्टिल ये क्यों शुरू किया पता नहीं, मैं स्टिल फीलिंग थी ना, भावनाओं को समझे ऐसे इमोशनल हो जाती हूँ जब भी ऐसे रहती हूँ। कितना बढ़िया ये, अब मैंने इसे संभाल के रखते हैं। मम्मी हमेशा 2 चीजें लाते थे जब भी शॉप करते थे, अपने लिए और मेरे लिए। मेरी संभाल, मॉरल ऑफ द स्टोरी, किसी की संभाल इतनी अच्छी है, किसी ने अब तक संभाल के रखे और अर्चू को पता ही नहीं कहा है, और यूज भी नहीं करा मम्मी ने, लेकिन पता ही नहीं कहा है। देख रहे हो, हेल्दी तो इसको नहीं बोलूंगी, ठीक है, थोड़ा सा मोजरेला चीज भी डाली थी, थोड़ा सा और वो पर्सनल टच आ जाएगा, है ना। फिर मेरे भाई मुझे बोलते हैं, किशु तू अपने कुत्तों को इतना अनहेल्दी खिलाती है, खुद इतना अनहेल्दी खाती है। मैं ये कहना चाहती हूँ अपने दोस्तों को, चीकू फ्यांचू बहुत हेल्दी खाते हैं, मेरे दोनों बच्चे थोड़े से बैलेंस करने के लिए मैं पॉपकॉर्न सिम्बा अनहेल्दी खा लेते। दोस्तों शक्ल देख लो जरा, ओए ओए यार टू गुड मैन सिम्बी, ये देख रहे दोनों जो ने ऐसे खड़े थे, मतलब इनको पता है कि इनका डेक्स है। खुद खाना खाने से पहले इनको पहले देंगे हम बिस्किट, कहाँ गए इनके बिस्किट, चलो बिस्किट खाते चलो। ये लो चलो आ चलो खाओ चलो, गुड बॉय मम्मा का। ये सिमी मेरी, चलो खाओ चलो फिनिश करो, बस अब वो दूसरी ट्रीट नहीं मिलेगी, नो कैंडीज नहीं मिलेंगी, अभी दोनों की तबीयत ठीक नहीं है। इतनी बदतमीज है, मम्मी पास तो ये सब खा लेते थे वैसे, मेरे यहाँ खाते ही नहीं, इनको सिर्फ इम्पोर्टेड वो चाहिए ट्रीट्स, ये कुछ नहीं मिलेगा। अरे डेंटल दे दी, डेंटल तो दे दे, ये चलो ये देखो, ये ऐसे देखो, ये देखो जरा देखो, वेट करे कि कड़कड़ मीन्स किसको भी मिल जाए, ये देखो कैसे होंगे। चलो 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 भाग दे दोनों, ये भी खत्म हो गया। पॉप इतना क्यूट है, सेटल नहीं हो रहे, मैं जहाँ बैठती हूँ कहते आओ इधर आओ, चलो इधर खा लो फिर जल्दी, कम कम मम्मा पास आओ जल्दी आओ। सिम्बा तो चला जाता है ड्राइंग रूम में, किधर बैठे गए, ऊपर आ जाओ जल्दी जाओ, हाँ यहाँ बैठ के खाओ, आ रही है मम्मा भी, बैठ जाओ आराम से। ओहो वाह वाह, ओहो आपके चक्कर में हमेशा नुकसान हो रहा था मेरा, मुंह में जा रहा है, मुंह में लेके आओ, चलो पॉपी चले। चलो दोस्तों बाय, आपसे मिलेंगे थोड़ी देर बाद, तब तक मैं अपने पप्पू को सेटल करती हूँ और खुद ठूसती हूँ। चलो 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 बेड पे चलो जल्दी, मम्मा भी आ रही है, बैठो दोबारा से आराम से बैठ जा, आ रही हूँ मैं भी, और निकालो मुंह से निकालो। दोस्तों हालत अभी भी खस्ता है, पता नहीं मेरा day 5 है day 6 है, बुरा हाल है। कैमरा मैंने इसलिए खोला, मेरी खोला है, मेरी टुम्मा आई है, देख रहे हो है टुम्मा, इवनिंग स्पेंड करने आई है, मम्मा पिताजी गए हुए हैं बाहर, तो उन्हें ठुम्मा को मेरे पास, छोटे ठुम्मा रोती है बहुत ज़्यादा, अकेले नहीं रहती है। और साथ के साथ बहन बना रही है बॉइल्ड राइस मेरे सिम्बा के लिए, और ये बनाया मैंने आलू मटन यूपी एंड साथ में रोटियाँ। दिन नहीं लग रहा था तो सोचा आपसे हेलो आई करूँ, इट इज़ डिफिकल्ट दोस्तों, कैमरा तो मैंने इसलिए खोला है, ओह गिर जा तो पेड़ा, कैमरा इसलिए मैंने खोला अपनी फीलिंग शेयर करने के लिए। जब मैं पहले से बीमार होती थी मिनट में मम्मी पास भाग जाती थी, मजे में मैंने अपनी ज़िंदगी बिताई, शादी के 5 साल ये संभालो, मेरे कुत्तों को संभालो, मुझे फ्रीडम, पता नहीं यार फ्रीडम कहते हैं ना, फैशन कम्स विद पेन, वैसे फ्रीडम कम्स विद एम्प्टीनेस। और मैं बेचारी अकेली बीमार, बाहर भी नहीं जा पाती मैं, अब घर छोड़कर क्या आ जाऊँ, है ना, आदत नहीं है ना इतना घर में रहने की मुझे। मिनट में मम्मा पास मेरी रूटीन होती थी कि सुबह उठ के गौरव का सब कुछ करा और घर चले जाओ, मैं भी अब निकल नहीं पा रही क्योंकि आपसे बात कर रही हूँ ना, जिस तरह मैं अपने आप से बात कर रही हूँ तो मैं आपको समझा रही हूँ, क्योंकि घर में ही अपने इतना काम हो जाता है, समझो ना खिचड़ी पकड़ी, भाई तो मैं ही नहीं समझी तो आपको क्या समझाऊँ। चलो ठीक है, नहीं हाओ भी मेरी करिए बहु बहु, बाकी भी तो बेटी नहीं हुई।
मैं सैड भी क्यूँ, मतलब सब मिक्स ही चल रहा है। ऐसे थू कर दो, पता नहीं क्यों। रोटी भी नहीं बनती मुझसे, तो टास्क ये रोटी बनाने। दोस्तों कैमरा मैंने स्पेशली खोला है, रोटी बनाते बनाते आपसे बात करते करते मैं इतनी हेवी होगी, मैं बहुत खुश हूँ दोस्तों। पता नहीं चलता आजकल कौन भड़क जाए। आई एम हैप्पी, मैं इरिटेटेड हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ और मुझे छींक भी आती थी, मम्मी पास चली जाती थी। अब सब कुछ खुद ही करना है क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए नथिंग पर्सनल। ओके बाय, खुशी अगेन। मेरी ओल्ड ठुम्मा यहाँ बैठी हुई है, ये नौटंकी सिम्बा पॉपकॉर्न देखो, बस करो चिम्बा। ठुम्मा बेचारी मेरी बहुत ही ओल्ड हो गई है, भोगो सबको वैसे ही करती है लिफ्ट में उतना। दोस्तों हम सब गौरव की वेट कर रहे हैं, गौरव आए और हम घूमने